मच मसल कैन यू गेन नेचुरली? ये एक कॉमन क्वेश्चन है, लेकिन इसका आंसर इतना सिंपल नहीं है। जब हम नेचुरल बॉडी बिल्डिंग कैपेसिटी की बात करते हैं तो इसमें बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं। डिस्क्लेमर, मैं इस वीडियो में जो भी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, मैंने उसे पहले गूगल पे सर्च किया है और उसके बाद ही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो कोई भी इंडिविजुअल अपनी बॉडी पे कितना मसल पुट कर सकता है वो डिपेंड करता है 3 फैक्टर्स पे। नंबर 1 इज जेनेटिक्स, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है आपके मसल बिल्डिंग के लिए। जेनेटिक्स ये डिसाइड करता है कि आप आगे जाकर कैसे दिखने वाले हो और आप अपनी बॉडी पे कितना मसल मास पुट कर सकते हो। एक बहुत ही फेमस न्यूट्रिशनिस्ट लाइला मैकडोनल्ड के अकॉर्डिंग किसी भी इंडिविजुअल की मैक्सिमम मसल गेन पोटेंशियल यानी कि वो अपने पहले साल की ट्रेनिंग में 0.9 केजी ऑफ मसल मास पर मंथ अपनी बॉडी पे पुट कर सकता है। एक और स्टडी हुई थी 2002 में अमेरिकन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन की ओर से, जिसमें उन्होंने 500 मेल कैंडिडेट और 500 फीमेल कैंडिडेट को लिया जिनकी एज 25 से 65 साल के बीच में थी। और उस स्टडी से ये पता चला कि जिस कैंडिडेट का फ्रेम साइज बड़ा है उसकी मसल मास कैरी करने की कैपेसिटी ज्यादा है इन कंपैरिजन टू उन कैंडिडेट्स का जिनका हिप का साइज बड़ा है, उनकी फैट कैरिंग कैपेसिटी ज्यादा होती है। इन स्टडीज से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपके बॉडी का फ्रेम साइज और आपके हिप का साइज ये सब जेनेटिकली गिफ्टेड होता है। इन शॉर्ट अगर मैं आपको जेनेटिक्स का मतलब समझाऊं तो व्हाट इज जेनेटिक्स? सो जेनेटिक्स इज समथिंग जो आपको आपके पेरेंट्स के थ्रू मिलता है और जिस पे आपका कोई कंट्रोल नहीं होता। सो अगर आपके पास एक अच्छी जेनेटिक्स है तो आप इजीली मसल मास गेन कर सकते हो, बट अगर आपके पास एक पुअर जेनेटिक्स है तो आपको थोड़ा प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। आवर सेकेंड फैक्टर इज स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। काफी ट्रेडिशनल मेथड है मसल मास गेन करने का इज टू लिफ्ट हैवियर वेट। By focusing on compound lifts such as deadlift, squat, bench press can increase your strength and you can add more muscle mass. अपने strength को increase करने के लिए आप एक और method का भी use कर सकते हो जिसको हम hypertrophic के नाम से जानते हैं। इस method में हम light weight के साथ high repetitions को निकालने का try करते हैं। Muscle building के लिए ये दोनों ही method equally important है। Let me explain you how. Actually we have 2 types of muscle fiber. Number 1 is slow twitch muscle fiber and number 2 is fast twitch muscle fiber. जब आप अपने अकॉर्डिंग हैवी वेट के साथ 1 rep max निकालते हो तो उससे आपके फास्ट ट्विच मसल फाइबर एक्टिवेट होते हैं, और जब आप वेट को कम करके हाई रेपिटेशंस को निकालते हो तो उससे आपके स्लो ट्विच मसल फाइबर एक्टिवेट होते हैं। अगर आप एक पर्टिकुलर मसल ग्रुप को हफ्ते में 2 बार ट्रेन करते हो तो पहले वर्कआउट सेशन में आप हैवी वेट के साथ जिन्हें एक्टिवेट कर सकते हो 1 rep max ट्राई करके उन्हें प्रैक्टिस करने का ट्राई करो, और दूसरे वर्कआउट सेशन में आप लाइटर वेट के साथ जिसे हम हाइपरट्रॉफी भी बोलते हैं उस पे आप प्रैक्टिस करो। आवर 3rd फैक्टर इज डाइट, न्यूट्रिशन एंड रिकवरी। हमारी बॉडी को प्रोटीन के साथ साथ और भी कुछ इसेंशियल चीजों की जरूरत होती है, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड मिनरल्स। ये भी इक्वली इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके मसल बिल्डिंग प्रोसेस में, तो इन चीजों का भी आपके डाइट में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके साथ साथ हमारी बॉडी को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज की जो जरूरत होती है वो है रिकवरी। हमारे बॉडी का ग्रोथ तब होता है जब हम सोते हैं, तो ट्रेनिंग, जेनेटिक्स और डाइट के साथ साथ रिकवरी भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके मसल बिल्डिंग में। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू आर न्यू टू द चैनल डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट। अब मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। सो बाय।